हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मीना की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सरपुतिया की सब्जी। मेरे तरफ तो इसे सरपुतिया ही कहा जाता है, आपके तरफ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो पहली बात तो ये कि आपको इसको बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हमारी सब्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। और एक खास बात, इसको हम बिना मसाले के ही बनाएंगे। और वैसे भी सरपुतिया हरी सब्जी है, तो इसको बिना मसाले के ही बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सरपुतिया की सब्जी बनाना। तो सरपुतिया की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए सरपुतिया। तो देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है एकदम फ्रेश ताजी ताजी सरपुतिया, जिसको मैंने एक बार पानी से धुलकर साफ कर लिया है। तो आप भी जब मार्केट से कोई सब्जी लाते हैं, खास तौर पे हरी सब्जी, तो उसको पहले एक बार पानी से धुल लिया करिए। तो अब हम सरपुतिया को छील लेते हैं। तो उसके लिए पहले आप एक चाकू के हेल्प से ऊपर के साइड्स को और ये नीचे वाले साइड्स को काट करके हटा दीजिए। और फिर इसके बाद एक पोटैटो पीलर से इसको इस तरीके से छील लीजिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे। मसाले वाली सब्जी या कोई भी मसाले वाली डिश तो हम अक्सर खाते ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें हरी सब्जियां भी खाते रहना चाहिए। हरी सब्जियों के इतने फायदे जो होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे के सारे सरपुतिया को छील लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सारी सरपुतिया छील ली है। अब इसमें पानी डालिए और इसको अच्छे से रगड़कर साफ कर लीजिए। ये इसको धुल करके मैं दूसरी थाली में रख लेती हूँ। और अब एक सरपुतिया लेंगे और इसको चाकू से ऐसे बारीक बारीक कट करते जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने सारी सरपुतिया को कट कर लिया है। तो अब इसको लेकर हम चलते हैं सीधा गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर चढ़ा देनी है हमें एक कढ़ाई। और अब कढ़ाई में डाल दीजिए आप अपना कुकिंग ऑयल। मैं अक्सर घर के ही सरसों के तेल से सब्जियां वगैरह बनाया करती हूँ, तो ज्यादा तेल नहीं, बस 2 चम्मच मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है। तो पहले तो तेल को गर्म होने दीजिए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक कट करके रखा था। तो प्याज को मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बार प्याज को चला लीजिए। और अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ मैंने 12 से 15 लहसुन की कली ली थी, जिसको मैंने 2-3 पीसेस में कट कर लिया है। और अब आप अपने अनुसार हरी मिर्च डाल लीजिए। मिर्च को भी एकदम बारीक कट करके डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च ली है। एक बार इन सबको अच्छे से चला लीजिए। और अब इसको चलाते चलाते ही बिल्कुल जरा सा भून लीजिए, बस तब तक जब तक प्याज, लहसुन और मिर्च थोड़े से मुलायम नहीं हो जाते हैं। और अब ये देखिए, बस इतना ही हमें प्याज को भूनना है। और बस जब प्याज ऐसी दिखने लगे, तभी उसी वक्त इसमें हम अपनी कट की हुई सरपुतिया को डाल देंगे। एक बार अच्छे से पूरा नीचे से ऊपर सब तरफ से चलाते हुए इसको मिला लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाए सब कुछ। ये हो गया। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। कितना नमक? तो देखिए, जितना मैं यहाँ पर सरपुतिया की सब्जी बना रही हूँ, इस सब्जी को आप मान के चलिए कि ये जब पूरा बनकर तैयार होगी ना, तो अभी जितनी है उसकी 1/4 बचेगी। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। अगर आप मेरे जितनी सब्जी बना रहे हो तो आप बस इतना ही नमक डालिएगा। एकदम परफेक्ट रेशियो है ये नमक का इतनी सब्जी के लिए। और बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप नमक ज्यादा खाना पसंद करते हैं या कम। और अब इसमें हमें डाल देना है टर्मरिक यानी हल्दी। तो यहाँ पर डालेंगे हम 1/3 छोटे चम्मच के करीब हल्दी। इसको एक बार चलाकर नमक और हल्दी को पूरा बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अब क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस इस पे एक लगा दीजिए ढक्कन और गैस की एकदम लो फ्लेम पर आप सब्जी को पका लीजिए। पता है ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा,
लेकिन प्लीज आप इसको गैस की एकदम धीमी आंच पे ही पकाइए और फिर देखिएगा कितनी कमाल की हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। बीच बीच में इसको हल्का सा चला लिया करिए। देखिए अब सरपुतिया ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो बस अभी ये और पानी छोड़ेगी। गैस की आंच एकदम कम पे ही रखिए और इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इस बीच आपको अगर कोई दूसरा काम हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर पर आप इसको चेक कर लिया करिएगा। तो देखिए सब्जी पूरा अपना पानी लगभग छोड़ चुकी है, बस 2 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे, लेकिन ढककर पकाइएगा अभी। और अब देखिए सब्जी की कंडीशन क्या है, बिल्कुल जब ये इस स्टेज पर आ जाएगा तब हम ढक्कन हटा देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करके पानी को थोड़ा सा सुखा लेंगे। सब्जी हो चुकी है, बस पानी अभी थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ था तो इसको बस 2 मिनट और सुखा लेंगे। इस वक्त आप इसको लगातार चलाते रहिए ताकि जलने का कोई डर न रहे, क्योंकि अब सब्जी पक चुकी है तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है कि जलने लगे, इसलिए लगातार चला चलाकर थोड़ा सा सब्जी को सुखा लीजिए। अच्छा इस सब्जी में ना अलग से पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब्जी जितना पानी छोड़ेगी उसी में ये पककर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए पानी अब सूख चुका है, तो अब गैस को बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा भी इस हरी सब्जी को सुखाकर मत बनाइएगा, नहीं तो सारा पोषक तत्व तो जो इसमें पाया जाता है वो तो जलकर खत्म ही हो जाएगा। तो बस अब क्या, ये लीजिए हमारी बिना मसाले वाली स्वादिष्ट और सेहतमंद सरपुतिया की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसका स्वाद लीजिए। तो बन गई ना बिना मसाले के भी बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद सरपुतिया की सब्जी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फैमिली में भी शेयर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।